दोस्तों, राजस्थान की स्कॉलरशिप के बारे में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि किस कैटेगरी की कब स्कॉलरशिप आई है या फिर कब उसके बिल आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, कमेंट करते हैं ऐसे बहुत छात्र हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता कि ST की स्कॉलरशिप कब आई है या फिर आने वाले टाइम पर कब आएगी। तो मैं ऐसे छात्रों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ जिनको ये नहीं पता है ST के नए बिल कब आएंगे और लास्ट टाइम ST के कब बिल आए थे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की समस्या ये है, दो दो साल से स्कॉलरशिप नहीं आई और वो अभी तक ये सोच के बैठे हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा ST के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी गई। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जो भी छात्र हैं ना, सभी के लिए कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप को वापस से स्टार्ट कर दिया है। अगर हम ST की बात करें तो दोस्तों, ST के छात्रों को भी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो चलिए कंप्लीट जानकारी हम अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप बिना देर किए हुए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी बिल बताऊँगा, जैसे कि ST के पहले बिल आए ना, वो आपको बता दूंगा सबूत के तौर पर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो बिल आए हैं वो पहले आ चुके हैं और अब आने वाले टाइम पर जो बिल आएंगे वो कब आएंगे। कंफर्म डेट बताऊंगा हर चीज़ की, और यहाँ पर सबूत के तौर पर आपको पहले के भी बिल यहाँ पर मैं बता दूंगा। पेमेंट भी आ चुका है स्कॉलरशिप का बैंक अकाउंट के अंदर, कंप्लीट जानकारी बता दूंगा। अब ऐसे भी छात्र होंगे जो ST के अलावा अन्य कैटेगरी के वो भी पूछ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है स्कॉलरशिप का अपडेट लास्ट में उनके लिए भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ से आपको सबसे पहले तो वो बता देता हूँ जो मैंने वीडियो यहाँ पर पहले बना रखी है इस चीज़ की, कि कब और कौन से बिल आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये बार वीडियो दिख रही है क्या? ये वाली 2 महीने पहली वीडियो है, लगभग मैं आपकी मार्च एंड की वीडियो है। ST की स्पेशल है, ST के बिल, स्कॉलरशिप और पेमेंट सभी हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं। आपने अगर नई वीडियो देखी है ना, आप देख लेना, 20-25 वीडियो आपको लिस्ट में नीचे मिल जाएगी। ये वाली ST की स्कॉलरशिप पर स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि दोस्तों विभाग के द्वारा ST की स्कॉलरशिप आ रही है, पहले भी कई बार आ चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो डेट बता देता हूँ जब स्कॉलरशिप ST के बिल बने थे ना, वो भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें जो ST के बिल है ना, ST वाले बिल ओनली, मैं आपको ST बिल दिखा रहा हूँ इसमें। अब ST के छात्रों के जो बिल पास हुए ना, वो आप किसी भी कैटेगरी के देख लेना, आप जानते हैं, देखना जनसूचना पोर्टल पर बिल दिखते हैं। जनसूचना पोर्टल राजस्थान के छात्रों के लिए बनाया गया है, यानी राजस्थान की जनता के लिए बनाया गया है, तो स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको चलिए सबसे लास्ट में जो बिल आए उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को लेकर यहाँ से चलता हूँ। तो ST का आप कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ से दौसा को पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे दिखाने में इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, दौसा का डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको एक पंचायत समिति वाइज लेके चल रहा हूँ, बाढ़ के वाइज में, यानी बाढ़ में ज़्यादा नहीं आते स्टूडेंट, बहुत कम ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत सोचो किस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रूर सोच लेना ST की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबूत के तौर पे यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, केशांत मीणा ST, रोहित कुमार मीणा ये भी ST है, रोहित कुमार मीणा ये भी ST है, लड़की है सीमा मीणा ये भी ST है, अजय कुमार मीणा ये भी ST है, अजय कुमार मीणा ये भी ST है, सुनीता मीणा ये भी ST है, सुनीता, अंजु मीणा, दोस्तों सभी ST की हैं, इतना तो आप जानते ही हैं, ST नाम में जुड़ा हुआ है पीछे मीना मीना सभी के। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पर पूजा मीना, सपना मीना, कप्तम मीना, इसके अलावा कप्तम मीना, राम खिलाड़ी मीना, जैसे कि आपको सभी दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट मीणा के हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, सभी मीणा कास्ट के हैं। तो दोस्तों, मीणा का बिल है, और अब आप यहाँ से देख लीजिए बिल की डेट। दोस्तों, बिल देखिए कब बना है, 29/3/2024 को, 29 मार्च 2024 को, यानी कहें तो 1 अप्रैल मान लीजिए आप, 1 अप्रैल और 1 मई। दोस्तों, अप्रैल का महीना गया, मई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब लगभग में 1-1.5 महीना हुआ है, और आचार संहिता आपके 20 दिन हो गए हैं लगे हुए, इस वजह से आपके नए बिल नहीं आए। बाकी 1 महीने पहले ही ST के छात्रों के बिल बने हैं, राजस्थान के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट के बिल बन चुके हैं, ST के छात्रों के, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं। तो इनमें सब 29/3/2024 के बिल आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी बिल हैं 29/3/2023
24 के सभी छात्रों के कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग टाइम पर बिल बनते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट के। तो ये 29 मार्च 2024 को बिल बने ना दोस्तों, तो क्या ये एसटी कैटेगरी के नहीं है क्या? एसटी के छात्रों के ही तो बिल हैं ये। जिन छात्रों के मन में ये है कि एसटी के 2 साल से बिल नहीं आ रहे, पेमेंट नहीं आ रहा, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसटी के छात्रों को राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो है आपका सबूत के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों मैं अब बात करता हूँ जिन छात्रों की जिनकी अब आने वाले टाइम पर स्कॉलरशिप आएगी, एसटीए, ओबीसी, एससी, एसबीसी या ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी का है ना दोस्तों, उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों राजस्थान सरकार हो या आपकी केंद्र सरकार हो, अगर चुनाव है ना कहीं भी, तो वहाँ से गवर्नमेंट आपके लिए लाभ नहीं प्रोवाइड करवा सकती। यानी आपको स्कॉलरशिप है ना, ये एक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए अभी आपके ना तो कोई बिल बनेंगे ना ही स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन दोस्तों 4 तारीख को जो चुनाव गणना हो जाएगी ना, उसके बाद में आपकी आचार संहिता हट जाएगी। तो इस वजह से मई खत्म होने के बाद में जून के महीने में आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे वो एसटी के हों या फिर एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी के छात्रों, सभी की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 60% है ना वो सेंट्रल की, वो भी आपको मिलना लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा आचार संहिता का इंतज़ार कर लीजिए। आचार संहिता खत्म होते ही आपको नए बिल की पीडियो मिल जाएगी, नए बिल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले एसटी के छात्रों के बिल आ गए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बातें आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी भी डीएलओ पास जाके को बोलते हैं कि जो है आपका बजट नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजट सरकार हर साल प्रोवाइड करवाती है, बस विभाग देता नहीं है उन्हें टाइम पर। तो यह है कुछ अपडेट, जो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा। इसलिए आप कभी भी कमेंट करके ये मत पूछना कि 2 साल हो गए स्कॉलरशिप नहीं दे रही सरकार, 2 साल से दे रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के, आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, आप वो रीज़न चेक करिए ना, वो रीज़न आप हमें बताइए कि आपकी स्कॉलरशिप इस वजह से नहीं आ रही या फिर क्यों नहीं आ रही है, ये चेक करो। बिल पर मत जाइए, गवर्नमेंट के बजट पर मत जाओ। गवर्नमेंट के पास बजट है और वो आपको दे भी रही है। समझ गए होंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो करने से अच्छा है इसी चीज़ में आप समझ गए। तो आशा करता हूँ डिटेल अच्छे से समझ में आइए। फिर भी कुछ भी डाउट क्वेश्चन है ना आपका मन में, कमेंट करके पूछिएगा। स्कॉलरशिप से संबंधित अन्य किसी भी योजना से संबंधित भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।